शुभांजलि मोइत्रा। ये दुनिया ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरी जिनकी तह तक जाना इंसान के बस की बात नहीं। ऐसा ही एक राज है सोने का आइलैंड, एक ऐसी नदी जिसके गर्त से लगातार सोना निकल रहा है और कोई उसके राज को सुलझा नहीं सका। अमेरिका, रूस, उज्बेकिस्तान, चीन जैसे देशों में सोने की बड़ी बड़ी खदानें मौजूद हैं। हर साल वहां से टनों सोना निकाला जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है, दुनिया में एक ऐसी नदी, ऐसा आइलैंड भी है जिसमें से सोने के आभूषण, बर्तन और कलाकृतियां निकल रही हैं। सोने का ये आइलैंड इंडोनेशिया में मिला। खबरों के मुताबिक ये पालेमबैंग प्रांत की मूसी नदी में लुप्त हो गया था, लेकिन अचानक से ये दोबारा अस्तित्व में आ गया। इस आइलैंड के पानी से सोने के जेवर, अंगूठियां, बौद्ध मूर्तियां और चीन में निर्मित सेरेमिक के कीमती बर्तन लगातार मिल रहे हैं। आइलैंड ऑफ गोल्ड के नाम से फेमस ये द्वीप इंडोनेशिया की हिस्ट्री में श्रीविजया शहर के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक श्रीविजया धन धान्य से भरा हुआ शहर हुआ करता था। साथ ही ये दुनिया के बड़े देशों के बीच व्यापारिक मार्ग के बीचों बीच पड़ता था। ये शहर पूर्व और पश्चिम के देशों को आपस में जोड़ता था। इस कारण श्रीविजया शहर का काफी विकास भी हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि श्रीविजया पर मलाका की खाड़ी पर राज करने वाले राजाओं ने 600 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच राज किया। माना जाता है कि भारत से जुड़े चोल साम्राज्य से युद्ध के बाद ये शहर नेस्तनाबूद हो गया। हालांकि इसके भी श्रीविजया से समुद्री व्यापार लगातार जारी रहा। माना जाता है कि धीरे धीरे इस शहर पर चीनी समुद्री डकैतों का आधिपत्य हो गया। समुद्री लुटेरे अक्सर यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से लूटपाट करते और यहीं डेरा जमा लेते। इतिहासकारों को लगता है कि हो सकता है मूसी नदी के नीचे उसी श्रीविजया शहर और वहाँ का खजाना दबा। जानकारों को सोने के आभूषण, मंदिर की घंटियां, अनेकों प्रकार के यंत्र, सिक्कों, मूर्तियों और सेरेमिक बर्तन उसी काल के नजर आते हैं। समुद्र के अंदर नजर रखने वाले गोताखोरों को मूसी नदी से सोने की तलवार, सोने और माणिक की अंगूठियां, कई प्रकार के जार और मोर के शेप में बनी बांसुरी मिली। फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट पेरे ईव्स की 2006 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10वीं सदी के दौरान श्रीविजया के राजा को भारत और चीन जैसे देशों ने बौद्ध मंदिर बनाने के लिए काफी पैसे दिए। चीन की वजह से यहाँ काफी ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी। एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट के मुताबिक श्रीविजया शहर ने चीन जैसे देशों को हाथी के दांत, क्रिस्टल की मूर्तियां, मोती, मूंगा, गेंडे के सींग और चंदन की लकड़ी दी ताकि उनके साथ व्यापार आगे बढ़ सके। वहीं मरीन आर्कियोलॉजिस्ट सीन किंग्सले मूसी नदी से मिल रहे सोने के सामान पर कहते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि श्रीविजया में लोग क्या करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, आखिर उनके पास इतना सोना आया कहां से। हमें उस शहर के बनने और खत्म होने की कोई जानकारी नहीं, हमें बस उसे खोजने की शुरुआत करनी। इसके लिए इंडोनेशियाई सरकार को परमिशन देनी होगी। हाँ, पालेमबैंग में हुए खुदाई से पता चलता है कि ये प्राचीन समय में एक अमीर बंदरगाह था, लेकिन इसके बहुत सबूत नहीं मिले सिवाय मंदिरों की नक्काशियों और कुछ पांडुलिपियों के। द्वीप के लिए कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ इंसानों को खाने वाले सांप रहते हैं, यानी एनाकोंडा की परिकल्पना इस द्वीप से भी जुड़ी हुई। लोग मानते हैं कि यहाँ हिंदी में बात करने वाले तोते भी मिलते हैं। फिलहाल मरीन और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट इंडोनेशिया सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई श्रीविजया और मूसी नदी का रहस्य जानना चाहता है।